वर्ल्ड एंड अफगानिस्तान वो कह रहे जी सपोर्ट करे सपोर्ट करे। भाई सपोर्ट तो है ही, नबी ने उठा के मिड विकेट पे वो मारा ग्राउंड के बाहर, गेंद ही वो फट गई है, नहीं गेंद आई दूसरी आई। फिर भाई तू पेस चेंज कर ले, बाबर रिजवान शाहीन रऊफ जो मर्जी होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये अफगानी टीम हल्की नहीं है। That's why I gave Afghanistan the फेस। तू 10 ही रन छोड़ दे यार, तू 12 खा जा, 10 छोड़ दे, कोई 9 छोड़ दे, 8 छोड़ दे, 5 रन छोड़ के जा रहे यार, कोई थोड़ी सी बंदा कोई हया होती है। अफगानिस्तान ने दूसरा T20 भी जीता और सीरीज भी जीत ली, इतिहास रच दिया अफगानिस्तान जैसी नई टीम ने, सो कॉल्ड न्यू क्रिकेट, नए जमाने की नई क्रिकेट, नए खिलाड़ियों के खिलाफ, पाकिस्तान की PSL टैलेंट के खिलाफ धराशायी हो गई पाकिस्तान की टीम। इस मैच में भी, पिछले मैच में भी सीरीज गवा बैठी। मतलब एक सवाल तो ये भी है कि क्या बाबर और रिजवान के बगैर गति नहीं पाकिस्तानी टीम की, और क्या अब दुहाई दी जाने लगेगी कि इस टीम में बाबर रिजवान नहीं थे, सी टीम थी, बी टीम थी, जेड टीम थी। WPL की विजेता बन गई है MI, इस पर हमने पिछले वीडियो में डिटेल से बात की है, वो देखिएगा। यहाँ पर स्पेशली यही बात होगी कि कैसी फीलिंग है, कैसा एनालिसिस है, क्या जजमेंट है इस हार के बाद पाकिस्तान की। वर्ल्ड एंड अफगानिस्तान आप डिजर्व करते थे जीतना, और शदाब खान आज का हीरो सकलैन मुश्ताक और उसका दामाद शदाब खान है, ब्रेनलेस सेंसलेस टूथलेस थर्ड क्लास कप्तानी। ओ भाई जमान खान का ओवर पड़ा हुआ है, उस अब्बा जी को नसीम शाह को मार पड़ रही है, मुसलसल मार पड़ रही है। अच्छा भला मैच बना हुआ है, दो ओवर में 22 चाहिए था, और नवाब ने 3 ओवर में 30 चाहिए था, दो ओवर 22 चाहिए था, इन वसीम को 1 ओवर करवाया, पता नहीं कौन सी कप्तानी कर रहा था। थर्ड क्लास पाकिस्तान की बैटिंग, और ये है PSL का टैलेंट। ऑफर हैट्स ऑफ टू जमान खान, ही डिड हिज वो देखें, वो देखो, वो देखो, वो तोते और वो आखिरी बॉल जो 5वीं बॉल में चौका हुआ है, बटेरे पकड़ रहे थे, मुंह से बॉल पकड़ते हैं, ये है पाकिस्तान की क्रिकेट जी। और शदाब खान की शानदार, इसको 2 ईंटें दें ताकि ये बाथरूम यहीं पे ये करे शदाब। और वो देखें जमान कितना बेचारा, बॉल तू नहीं, अबे भाई तू कैच नहीं पकड़ सकता, बॉल पे तो ध्यान दे। और माजरत के साथ आजम खान जो पिच बनाने का रोलर का किरदार अदा कर रहे थे, अगर कोई बॉल, इतना अच्छा मैच बना लिया था, क्या गुरबाज और क्या इब्राहिम, अच्छा भला पाकिस्तान जकड़ में ले आया था डिस्पाइट 130 के, लेकिन शदाब खान की शानदार जानदार खून खार और थर्ड क्लास कप्तानी ने पाकिस्तान को आज ये जिल्लत, ये रुसवाई और ये 2-0 की नाकाबले शिकस्त जो भड़क दे दी अफगानिस्तान को, हैट्स ऑफ जी, टेक नथिंग अवे फ्रॉम अफगानिस्तान, दे डिजर्व टू विन, दे डिजर्व टू बीट। दोनों टीमों में जो फर्क था, एक टीम जीतने के लिए खेल रही थी, एक टीम फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन खेल रही थी। लानत है ऐसी क्रिकेट खेलने पे, थर्ड क्लास बेशरम बेहया क्रिकेट खेल के जलील और रुसवा करा के अब इनके दिलों में ठंडक पड़ गई होगी। मतेश चोरा कह जी रिजवान विल बी हैप्पी के बाबर और रिजवान के बगैर थे तो हार गए। भाई मेरी ऐसी घटिया सोच नहीं है, और मैं हमेशा अपनी कंट्री को जीतना हुआ देखना चाहता हूँ, चाहे बाबर हो ना हो, टीम जीतनी चाहिए, दिस इज ऑल मैटर्स। लेकिन भाई ये बिल्कुल एक्सपोज होके रह गए हैं, ये PSL का टैलेंट। यहाँ पे साइम अयूब 170 के स्ट्राइक रेट से रन हो रहे हैं, हारिस 180 के रन के स्ट्राइक रेट से रन हो रहे हैं, वो दूसरा अब्दुल्ला शफीक भी लाहौर की तरफ से कुछ अच्छी खेल गया इनिंग्स, वो तैयब ताहिर, ओ भाई यहाँ पे तो इनसे 20-20 रन भी नहीं बन पा रहे, तो ये क्या टैलेंट है हमारा, ये तो 20-20 रन भी नहीं पा रहे। लोग कह रहे हैं जी सपोर्ट करें सपोर्ट करें, भाई सपोर्ट तो है ही, और सपोर्ट तो है ही, कौन सा ऑस्ट्रेलिया के सामने भेज दिया इनको, नथिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, दे आर अ बेटर साइड, लेकिन कुछ भी तो समझ आए, बिल्कुल क्लूलेस, बिल्कुल क्लूलेस, और पंचिंग बैग बने हुए हैं। अफगानिस्तान ने सही इनको फेंट दिया वहां पे, जैसे को देखें नबी के छक्के, नसीम शाह इसने कप्तानी में भी ब्लंडर किए हैं।
भाई एक दिन किसी बॉलर का दिन नहीं होता। नसीम शाह को ऊपर से भी मतलब नहीं निकल के वो उसने पहले ओवर में छक्का मारा, उसका नहीं उसका दिन पता चल जाता है। तो जरूरी है कि उसका चार ओवर का कोटा ही पूरा कराना है भाई। तुम जमान का वो एहसान का एक ओवर रह गया, कुछ ऐसा कंबिनेशन बनाओ, एक ओवर इमाद से बीच में निकलवाया तुमने कि वो ओवर करवाए। कप्तानी का भी कुछ पता नहीं है भाई, क्या कप्तानी हो रही है। और यहां पे इसका भी कहा जाता है जी इसको भी पाकिस्तान का कप्तान बना दे। अब ये वाली है जी कप्तानी, उसका दिन नहीं है, वो मार खा रहा है। ठीक है उसने 6-7 रन का पिछला ओवर पता नहीं कैसे निकाल दिया, अच्छा 17 रन देके खत्म हो गया मैच। इस पिच पे 10 रन से ऊपर रन रेट 3 ओवरों में 3.5 ओवरों में आसान काम नहीं है। 48 गेंदें बीच में ऐसी थी, 49वीं गेंद पे चौका आया जाके 49वीं गेंद पे, तो बीच में इट वॉज नॉट ईजी। लेकिन ये नसीम वैसे स्लो वन दोनों छक्के इसने गाए हैं, इसने अपना पूरे जोर से गेंद लगाई है। नबी ने उठा के मिड विकेट पे वो मारा ग्राउंड के बाहर, गेंद ही वो फट गई है, नहीं गेंद आई दूसरी आई। फिर भाई तू पेस चेंज कर ले, उसको भी पूरे जोर से गेंद करवाई है, उसने स्ट्रेट पे जा उठा के छक्का मारा है जादराम ने। ये दोनों इनके इनका स्ट्राइकर बड़ा अच्छा है, 140 को छूता है इन दोनों का, उन्हीं को फुल वो बना के खड़ा हुआ नबी। ही न्यू इट कि यहीं पे गेंद करवाएगा, वो पहले से ही रेडी था। जैसे ही ठप्पा लगा भाई वाह दड़म वो गई है मिड विकेट पे। तो पेस भी कोई चेंज नहीं कर रहा, अजीब सी किस्म की कप्तानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बैटिंग थर्ड क्लास पथेटिक, और लोग कहेंगे कि जी अभी आप बैक नहीं कर रहे इनको, और बैक इन्होंने पाकिस्तान की तोड़ दी है तो इनको क्या आप बैक करें। समीर खान जी मौसम भाई 19th ओवर शुड हैव बीन गिवन टू जमान, द गेम वुड हैव बीन ओवर। पुअर कप्तानी, पुअर विकेट कीपिंग, और कीपर नो नहीं कीपर भी बिल्कुल बेकार है भाई। हाथों से वो गेंद बीट हो रही है बॉलर के, वो फिर भी रन बन पा रहा है। जितनी गेंद है वो गेंद पकड़ता है, ग्लव्स उतारता है, 2-4 सांस लेता है, वो बैट्समैन क्रीज में पहुंच जाता है, वो तो भाई के भी रन बन रहे एंड पे। बॉलर मैक्सिमम गेंद बीट करा देगा, वो गेंद बीट करा के भी अगर सिंगल बन रही है तो उसको कीपर भाई किस काम का फिर। और वो भी जो डायरेक्ट हिट रन आउट हुआ है, इसमें कीपर का कोई कमाल नहीं, ये खाली लुटिया ही डाल रहा था, वो तो डायरेक्ट हिट आके लग गई। बिल्कुल सही कहा आपने, वो कप्तानी की भी बात कर रहे हैं और दूसरी बात कर रहे हैं, सही है। तरुण जी कहेंगे आई थॉट पाकिस्तान हैव अ ग्रेट बैट्समैन इन पीएसएल स्कोरिंग 250 और अफगानिस्तान डिजर्व्ड विन, दे टुक द गेम डीप एंड वेटेड पेशेंटली फॉर द लास्ट बॉल कैलकुलेशन ऑफ देयर फर्स्ट सीरीज विन। देखें जी मुबारकबाद तो हम उनको दे रहे हैं, फर्स्ट सीरीज विन पे मुबारकबाद उनको दे रहे हैं। हम तो उनको सीरीज से पहले भी कह रहे थे डोंट टेक देम लाइटली, जब आपके सारे बड़े जाते हैं उनके साथ मैच फंस जाता है, बड़ी मुश्किल से बच बचा के आते हो, तो ये तो बच्चे भेज दिए हैं, तो ये खैर मनाओ, दो तो गए अब तीसरे के भी लाइन में लग जाओ। हितेश भाटिया जी रेस भाई आप कह रहे थे कि हो सकता है कि अफगानिस्तान एक मैच जीत जाए, भाई आपकी टीम मोस्ट ओवररेटेड टीम है, पाकिस्तान नेक्स्ट 20 एयर में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं पहुंचेगी। और यार चैंपियनशिप ये T20 का मैच हो रहा है, चैंपियनशिप में तो हम जब पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, उधर तो हम ना 3 में ना 13 में। तरुण तन्मेश प्रधान क्रूलेस थर्ड क्लास बैटिंग बाय पाकिस्तान यंग टीम के बोल के एक्सक्यूज नहीं दे सकते जी, इंडिया भी बी टीम के साथ गाबा और ऑस्ट्रेलिया में जीता जी। जी बात सही है आपकी, सही बात है। मैंने इस सीरीज से पहले कहा था कि मैं ये बकवास नहीं सुनूंगा कि यंग टीम भेजी थी, मैंने आपसे कहा था बाबर रिजवान शाहीन रऊफ जो मर्जी होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ये अफगानी टीम हल्की नहीं है। दैट्स व्हाई आई गेव अफगानिस्तान द फेवरेट्स, आई गेव देम द फेवरेट्स टैग बिकॉज आई वॉज डैम श्योर। और आज का मैच ये 130 करके भी पाकिस्तान ये मैच जीत जाता अगर ये एक क्लूलेस एक ब्रेनलेस सेंसलेस शदाब खान कप्तान ना देखो, उसने 5 रन जो थे 5 रन सिर्फ जमान को मिले थे, वो पांचवी बॉल तक आखिरी ओवर के ले गया, वो भी उसने फील्डिंग। अगर आप जमान को 19वां ओवर देते एहसान, देखे इस थर्ड क्लास कप्तान की थर्ड क्लास कप्तानी का अंदाजा यहां से लगाएं, 12वां ओवर दिया इमाद को उसके बाद उसको ओवर ही नहीं दिया, 12वां ओवर दिया इमाद को उसके बाद ओवर ही नहीं दिया, इतना प्रेशर आ गया था। 3 ओवर में 30, 2 ओवर में 22 चाहिए था, और आखिरी ओवर में 5। त्रिपाठी गांजी आज का मैच को उनको याद आ गई, इंडिया पाकिस्तान के एशिया कप के दूसरे वाले मैच में जहां पे भूवी गेव
रन 19वें ओवर में जो रन दे दिए थे, लेकिन रशदीप ने मैच फंसाया था। जी भाई ऐसा ही है, यहाँ तो 19वें ओवर में काम खत्म हो गया, जमान को एंड तक रोका, लेकिन उसने भाई तू 10 ही रन छोड़ दे यार, तू 12 खा जा, 10 छोड़ दे, कोई 9 छोड़ दे, 8 छोड़ दे, 5 रन छोड़ के जा रहे यार, कोई थोड़ी सी बंदा कोई हया होती है। पिछला मैच भी उन्होंने अपनी अकल से बैटिंग करते हुए ऑन अ ट्रिकी पिच वो मैच जिता के गए हैं। आज गेंद अच्छा बल्ले पे आ रहा था, वो आए हैं, उन्होंने आराम सुकून से एक एक छक्का मारा है, निकल गया, बाकी रनिंग से कर कर आगे फारग हो गया काम। अफगानिस्तान इज राइजिंग डे बाई डे, बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान ने, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर तरफ से, हर एक क्षेत्र में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, डिजर्व करती थी, जीत गई। अब बड़ा सवाल कि एक मैच बचा है, क्या वो बचा लेगी पाकिस्तान? लेकिन कहीं ना कहीं इस नई टीम को, नए जमाने वाली टीम को ये फिक्र सता रही होगी कि भाई ये मैच गंवा दिया तो बस जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी मटिया मेल हो जानी है। आपने मैच देखा, 3 मैच थे कल, साउथ अफ्रीका ने भी कमाल का रिकॉर्ड बनाया है, 259 रिकॉर्ड चेज करते हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ। WPL की बात करें तो वहां मुंबई इंडियंस बन गई है चैंपियन, इनागुरल सीजन की चैंपियन है मुंबई इंडियंस, DC को मात देते हुए विजेता बन गई है। और तीसरा मैच था ये अफगानिस्तान पाकिस्तान, जो कि सबसे ज़्यादा जिसकी हाइप थी और क्रेज था। आपको इन तीनों मैचेस में से कौन सा मैच अच्छा लगा, कैसा लगा, बताइएगा अपनी राय, और यहाँ हुई बातचीत पर भी अपने ख्याल जाहिर कीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, जय हिंद।